देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त राजपात्रिक अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा क्राइम ब्रांच को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। थाना गोहलपुर एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली है। 25,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो वहीं सिटी डक्स मोटरसाइकिल से यह आए हुए थे और रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने पर 25,000 रुपये जमा करने के चलते एक इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए खड़े थे, उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा है। दोनों से पूछताछ की गई है, जिनका नाम शाहनवाज खान उम्र 30 वर्ष निवासी बनागर और विवेक सिंह चौधरी उम्र 27 वर्ष बताया गया है। तो वहीं अब इनसे अब सघन पूछताछ की जा रही है। जी हां, थाना गोहलपुर में कल रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लड़के एक मोटरसाइकिल में हैं। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि वर्तमान में एक आवश्यक अंग बन गया है, जो कोविड के मरीज हैं इन्हें जीवन रक्षा के रूप में ये इंजेक्शन दिया जाता है और ये लोग इंजेक्शन लिए। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गोगलपुर की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। तो ये न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल के सामने जो शराब दुकान है वहाँ पर इनको पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी जामा तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिला। संपूर्ण जांच के आधार पर थाना गोहरपुर में अपराध धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान तथा 3/7 ECS और आपदा प्रबंधन की धारा के अलावा 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। प्रकरण में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही साथ आरोपियों को आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इन्हें ये इंजेक्शन कहां से मिले थे, इन्होंने अभी तक कितने इंजेक्शन बेचे हैं, इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है।